दूसरी वीडियो, तो देखिए आप लोगों लाइव में आके पता नहीं बहुत सारा बात शेयर किया है अपना दिल की बात। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो देख रहे हैं नेहा आशीष तिवारी आज क्या बोल रही है लाइव में, और हम लोग के साथ साथ आप भी जुड़िए, लाइव दिखा रहे हैं आपको। तो गाइस नेहा को जो है ना आप लोग भी समझिए, नेहा गलत नहीं है, अल्लाह की गलत नहीं होता है, गलत बनाया जाता है, ठीक है। गाइस देखिए उसको मतलब कि इतना मतलब हरकत हुआ है जो मतलब अकाउंट भी बंद कर दिए बेचारे, इतना परेशान मत करिए किसी को। हम लोग तो यही बोलेंगे, वो भी लड़की है और हम लोग भी लड़की है, तो इतना लड़की को परेशान मत कीजिए। आप लोग भी समझे, हर लड़की गलत नहीं होता, गलत बनाया जाता है, ठीक है। और हाँ नेहा आके माफी मांगते हैं लाइव में आके, आप लोग भी समझ सकते हैं उसका दिल में कितना दुख है, वो कितना खुद से मतलब परेशान है। वो उसका एक बेटी है, उसका बेटे का नाम है तासी आशीष तिवारी। तो देखते हैं गाइस उसका मतलब क्या, पापा तो है नहीं जो उसको मतलब क्या, इतना वही माँ है वही बाप है, तो दोनों मतलब की उसका बेटी को। और हाँ मतलब नेहा पे उंगली उठा रहे की नहीं नेहा गलत है, नेहा गलत है, नेहा गलत नहीं है, नेहा कैसे गलत है, नेहा का तो हस्बैंड ही नहीं है। उसका जो क्या, उसका क्या नाम है, सचिन का तो मतलब वाइफ है, तो वो फिर उसका वाइफ को छोड़ के क्यों आई थी नेहा के पास। गाइस यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, ये लड़की है उसका हस्बैंड नहीं है, तो ये इसका माइंड गड़बड़ा सकता है, लेकिन मतलब सचिन राज का क्यों, सचिन राज को तो मतलब सही रहना चाहिए ना, उसका तो बीवी है। देखते हैं लाइव में क्या क्या बोलते हैं। टेंशन ना लो, बोलना बहुत आसान है। टेंशन कैसे नहीं लेगी, उसका तो माइंड हिल गया हो, तो डिप्रेशन में है शायद। मैं अभी भी यहाँ पर इतना किसी को परेशान कर दिया कि उसका हाथ पैर पूरा कांप रहा है। मेरी क्या क्या बोलूँ, बात करने में सारी चीजें, लेकिन बिल्कुल सही करना भी चाहिए। नेहा आशीष तिवारी को हम लोग यही बोलेंगे कि जो भी हो गया उसको ध्यान नहीं देते हुए अपना काम पे फोकस करें और अपने फ्यूचर को देखें। बस मुझे इतना पता है कि अब मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। हाँ नेहा आशीष तिवारी बहुत परेशान है गाइस, और आप लोग भी कौन कौन उसका फ्रेंड है, जो जो फ्रेंड है हम लोग को कमेंट में बताइएगा जरूर, और जो जो उसको पसंद करते हैं तो उसका थोड़ा सपोर्ट कीजिए और हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए उसके साथ साथ। क्या हो गया, कुछ नहीं, मेरा रूम आज हमने तो भगा दिया था नेहा दीदी को, भाग गया। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भगा दिया भाई, ये नहीं छोड़ता है उसका भाई, उससे बहुत प्यार करता है। बिल्कुल सही बात है, रूम अकेला बंद नहीं करने देते उसका भाई। नेहा आशीष तिवारी बोल रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे बहन अभी टेंशन में है और इस टेंशन में मेरी बहन के सपोर्ट में है। बहुत अच्छा फैमिली है गाइस, भगा दिया भाई बिल्कुल, बहन को बहुत प्यार करता है नेहा आशीष तिवारी से उसका भाई। थोड़ा टाइम देना था इनको, इनको अपने टाइम दिया, बट अपनी नॉर्मल है, हंसती खेलती फुस्ती फुस्ती है। देखो क्या होता है, घायल शेरनी का कमबैक बहुत खतरनाक होता है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा तो सही, उसका भाई सही बोल रहा, घायल शेरनी ये तो सही बात है। और इसके साथ कोई हो ना हो दुनिया में, जब एक चीज याद रखना, ये आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा सब लोग को जो बहुत पहले जुड़े हुए, जब हमने उसको उस टाइम से बाहर निकाला, इस टाइम पे मैं तो पर्सनली अपना नाम लूँगा भाई, मैं एक ऐसा भाई हूँ मैं तो बोलूँगा, हमने उसको उस टाइम पे बाहर निकाला है ना, तो हम इस टाइम पे भी उसको बाहर निकाल लिया, कोई नहीं यार अकेला काफ़ी हूँ है तो पता नहीं। आशीष तिवारी का भाई यहाँ पे बोल रहा है कि मैं पहले भी मेरा बहन को इस दुख से, इस आग से मैंने बाहर निकाला है, तो इस आग से भी मैंने बाहर निकालूंगा और अकेले। सही बात है, जिसका भाई है उसी को पता है गाइस, उसकी भाई मतलब बहुत प्यार करता है। और बिल्कुल बिल्कुल नेहा आशीष तिवारी यहाँ बोल रही है कि परिवार से बढ़कर कोई नहीं है, तो सही बात है, जिसका परिवार नहीं होता भाई साथ में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है, अपना साथ नहीं देता। मेरे ये समय कितना दिन चलेगा, एक बार बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कितने दिन। नेहा आशीष तिवारी का फैमिली जो है, परिवार जो बहुत अच्छा है, 6 महीने मैं कह रहा हूँ, 1 साल चलेगा, बदलेगा सबका समय, तो हर बदलेगा, हर किसी का समय बदलता है, ऐसा तो नहीं रहता है ना, बदलेगा बदलेगा और बहुत अच्छे से बदलेगा। और अब मैं पूरा जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया था, मैं वैसे स्टार्ट किया जब मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और मैंने अपने यहाँ नेहा आशीष तिवारी बोल रहे कि मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगी, जैसे मैंने पहले किया था, फिर से अपने आप को निकालूंगी, मेरी वो मैं फिर से जीरो से। सही बात है, थोड़ा सा उठेगा, क्यों नहीं उठा, जरूर उठेगा, इंसान तो फिर गिरता है, गिर गिर गिर
ना इतना स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अब सिर्फ परिवार साथ है, सिर्फ मेरे परिवार के साथ, और आप लोग हो सबसे बड़ी ताकत। तो आप लोग आप लोग इतनी हिम्मत देते हो। नेहा आशीष तिवारी के साथ इतना सारा बड़ा फैमिली है गाइस, तो उसको हौसला तो देने का बनता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस आग से नहीं समझ आता है, मन नहीं लगता है, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। घर में भी रहती हूँ तो टीवी मोबाइल कुछ नहीं देखती, शायद टीवी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल कुछ नहीं देखती। मतलब कैसे पे रहती है नेहा तिवारी, बोल रही है नेहा आशीष तिवारी हो गया। देखो आ था बुरा समय हर इंसान का आता है, हर इंसान का जाता है, एक टाइम होता है, एक टाइम के हिसाब से हर चीज का मतलब देखो यार, हर चीज बदल जाता है। तो ये लोग का भी सेम है, ये लोग का भी चेंज होगा बिल्कुल। ऊपर वाला सबका देखता है, सबका भला करता है। आज तो कल करेगा, कोई बात नहीं। हाँ, ये मैं इस चीज का आंसर जरूर करना चाहूंगी। अरे मैं अभी मैं देखो सुनो सुनो मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो ऐसे ऐसा देखिए वाले आंसू जो कैरेक्टर ऐसा दिखा रहे हैं, जो जो आ रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सचिन को ये सोचना चाहिए गाइस, मैं यहाँ यही बात, सचिन को ये सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, अगर नेहा ने उसको भड़काया भी था कोई चीज के लिए कि तुम्हारे बीवी के पास मत जाओ, यहाँ मत आओ, मनीषा के साथ वीडियो मत बनाओ, तो क्या वो दूध पीता हुआ बच्चा था? उसको तो समझ था ना गाइस कि हम इसके बातों पे क्यों आ रहे हैं। गलती तो सचिन का भी है, दोनों का ही यहाँ पे गलती है। तो यही बात बोलेंगे कि नेहा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नेहा का गलती है, नेहा लड़की है, लड़की का दर्द हम समझते हैं गाइस, इसको थोड़ा ये कीजिए आप लोग। हाँ गलती तो हुई है, सचिन का भी गलती है, बहुत बड़ा सचिन भी गलती किया है। मेरे को बताया मालूम है, यहाँ पर पूरा फैमिली इसका सपोर्ट में है, प्यार करता है गाइस। आप लोग भी प्यार बांटिए सबसे। तो मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही है? वॉइस वॉइस हेलो वॉइस प्रॉब्लम, धीरे आ रही होगी, धीरे अब आ रही है आवाज। हाँ बढ़िया है, मैं सारी बातें करूंगी, आप लोग चिंता मत। देखो मतलब नेहा चुप है तो मतलब नहीं है, मतलब गलत किया है उसने, चुप है ऐसा नहीं होता है, ठीक है? समझी आदमी पता है, इतना सारा वीडियो फैल गया उसके नाम से, तो आदमी को शर्म भी है ना, कोई लगे गलत गलत होता है, कोई कुछ नहीं बनाना। मैं चाहती हूँ लेकिन इस बार इतना बिल्कुल बिल्कुल नेहा आशीष तिवारी यहाँ बोल रही है कि इस बात को खत्म किया जाए। तो गाइस आप लोग भी सारी बातों को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, वो मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ बातों को खत्म करना है। और सामने वाले मैं चीज बोलूं, आगे मेरे बढ़े जितने भी लोग हैं सब अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और मुझे भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक बेटी है तासी, उसके लिए तो खराब नहीं है उसको। तो यार मैं आ रहा है, मैं आपको एक साथ एक पर्सनली एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, कि आप लोगों ने जो नाम था आयरन लेडी, भाइयों ने इनको दिया था, तो भाइयों ने जो नाम दिया था वो भाइयों के कारण ही वो नाम आज फेमस हुआ आयरन लेडी। उस नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर किसी का दो या तीन घर पे नाम होता है, हर किसी का पता नहीं आप लोग का है या नहीं है, हम लोग का घर में दो या तीन नाम है, आप भी ऐसे स्ट्रगल करो, कोई मतलब नहीं है, मेरा लड़की नाम है ये है, किसी का घर में है एक ना एक नाम है, डबल नाम है, मतलब बराबर नाम तो जरूर, बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया है। और एक बात की एक औरत को हराने के लिए पूरी दुनिया लड़ गई यार, पूरी दुनिया वो है यार, शिवाजी का एक डायलॉग है, रजनीकांत सर का एक डायलॉग है, पर कोई बात नहीं। हम लोग नेहा जी को एक ही बात बोलना चाहेंगे, मतलब किसी को भी गिरा के ना बोलो, कोई अमीर आदमी नहीं बन जाता, ठीक है, और खुश नहीं रह पाता। हाँ हम फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ना इस मुद्दे पे बात करेंगे और ना कभी जाना चाहेंगे, बस गाइस मेरी स्माइल कर रही है, ये देखो मेरी स्माइल, टेंशन तो लेती हूँ, मैं तो बैठा हूँ काफ़ी हूँ, और बहुत से लोग आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, थैंक यू सो मच, दिल से सपोर्ट, दिल से प्यार। तो गाइस पता नहीं इस वीडियो में हम लोग गलत बोले या सही बोले, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर, हमारे घर में आई है, यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है, आप लोग के सामने में है जो दिखता है। हम लोग एक लड़की के सपोर्ट में ही बोले हैं, वो लड़की है, उसकी एक बेटी है, उसका बेटी को देखता हुआ हम लोग बोले हैं, उसका बाप नहीं है सर पे, बस इसीलिए गाइस। तो देखते जितना सारा बात उठा रहे आप लोग भी इस बात को जितना जल्दी हो खत्म किया जाए, कैसा नहीं लगता है ना,
सो ठीक है, हम लोग का वीडियो आज तक यही तक है। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भी क्या गलत, डेली डेली लाते रहेंगे आप लोग के लिए, और डेली पे बातें यहां पे कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मैं वालों में आपको मैंने अपने मां से अपनी मां मतलब